Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Assalamualaikum guys, welcome back to another video. मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फर टीवी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जिसको यूज़ करते हुए आप मीडियम से हाई सेटिंग के ऊपर गेमिंग कर सकेंगे और आपको ये जो गेमिंग पीसी है इजीली 60 एफपीएस जो है वो तमाम गेम्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देगा एवरेज के तौर पर। उसके अलावा आप इसी गेमिंग पीसी को यूज़ करते हुए एडिटिंग, रेंडरिंग भी कर सकते हैं, किसी हद तक एंट्री लेवल की स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और आप फ्री लांसिंग के लिए भी गेमिंग पीसी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे एडिटिंग आपको आती है, रेंडरिंग आती है और उसके अलावा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो इस पीसी को यूज़ करते हुए आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गेमिंग करनी है तो एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के तौर पर भी इस पीसी को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस पीसी के साथ जो है वो इनकम जनरेट करनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके या एडिटिंग करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर हमने कौन से कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो इसमें दोस्तों 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया दोस्तों वो आ जाता है हमारा H61। और ये बेसिक मदरबोर्ड है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, MSI, ASUS, Gigabyte, जो भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाए। और ये एक बेसिक मदरबोर्ड है जिसके ऊपर आपको 2 RAM की जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और उसके अलावा दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर आपको PCI Express 16 की जो स्लॉट है वो भी देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार्ड के लिए। 5 आपको SATA पोर्ट्स मिल जाती हैं जिसके ऊपर आप SSD या हार्ड डिस्क जो है वो इजीली लगा सकते हैं। और ये जो मदरबोर्ड है इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो जाता है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर आप Core i3, Core i5, Core i7 के सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर भी लगा सकते हैं और थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर है वो भी लगा सकते हैं। दोनों किस्म के जो प्रोसेसर हैं, दोनों जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं, ये मदरबोर्ड जो है वो इजीली सपोर्ट करता है। और उसके अलावा आपको इनपुट आउटपुट के लिए जो गिवन पोर्ट्स होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं वो भी आपको इस मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 3500 पीस से लेके मैक्सिमम 4000 पीस के करीब जो है वो यूज़ कंडीशन के अंदर ईजिली देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर जो कि हम 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंटेल का Core i5 3570 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो यूज़ कर लिया है। और ये दोस्तों थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, बेसिकली 4 कोर 4 थ्रेड आपको ऑफर कर देता है। 3.4 GHz की आपको बेसिक फ्रिक्वेंसी ऑफर करता है और 3.8 से 9 GHz की आपको टर्बो फ्रिक्वेंसी ऑफर कर देता है। 6 MB की कैश मेमोरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है और उसके अलावा 77 W की TDP आपको ऑफर करता है और गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी जो सपोर्ट है ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। और इसी प्रोसेसर का यूज़ करते हुए आप गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग और साथ इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग का काम है ये भी आप इसी प्रोसेसर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये दोस्तों आ जाती है हमारी रैम। आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर जो कि हम दोस्तों 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड करें, यहाँ पर हमने 4 GB की 2 स्टिक्स यूज़ की हैं और ये DDR3 की रैम है दोस्तों 1600 MHz की स्पीड के साथ, और ये भी ईजिली आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। अब हम दोस्तों अगर इस रैम की प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 4000 रुपीज़ के करीब जो है वो कॉस्ट कर सकती है। और हम ये जो रैम है 4 GB की 2 स्टिक्स ड्यूअल चैनल मेमोरी के अंदर यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको इस रैम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो प्रोसेसर है इसकी मैं प्राइस आपको बताना भूल गया था, और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो यूज़ कंडीशन के अंदर थर्ड जनरेशन का दोस्तों ये प्रोसेसर Core i5 3570 ये आपको मार्केट में 6000 पीस का यूज़ कंडीशन के अंदर ईजिली देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये दोस्तों आ जाती है हमारी SSD। आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर जो कि हम दोस्तों 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 128 GB की SSD भी यूज़ कर ली है ताकि हमारे पीसी को एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल सके गेमिंग के अंदर भी, और ओवरऑल हमारा जो गेमिंग पीसी है स्नैपियर फास्टर हो जाएगा इस SSD की वजह से। और इसलिए हमने ये जो SSD है 128 GB की यूज़ की है। ये दोस्तों ये SSD जो है ये आप ब्रांड न्यू भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 128 GB की SSD 3000 से लेके मैक्सिमम 3500 रुपीज़ के अंदर जो है वो ब्रांड न्यू कंडीशन में ईजिली मार्केट में देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये दोस्तों आ जाती है हमारी हार्ड ड्राइव। और ये जो हार्ड ड्राइव है दोस्तों यहाँ पे हमने आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 500 GB की यूज़ की है, और ये भी आपको इजीली मार्केट में दोस्तों ये जो हार्ड ड्राइव है इस तरह की यूज़ कंडीशन के अंदर इजीली देखने को मिल जाती है। सिर्फ आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसकी आपको जो परफॉर्मेंस और हेल्थ है वो 100% जो है वो देखने को मिलनी चाहिए और ये आपने लाजमी चेक करवा लेनी है अपने शॉपकीपर से। और ये जो दोस्तों हार्ड डिस्क है 500 GB की, ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 2000 पीस के करीब जो है वो कॉस्ट कर सकती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर जो कि हम 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेल या HP की जो ब्रांडेड पावर सप्लाईज आती हैं 500
25 वाट की वो हमने यूज़ कर ली है, और ये जो पावर सप्लाई है काफ़ी हाई क्वालिटी की पावर सप्लाईज होती हैं दोस्तों, और उसके अलावा ये 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाईज होती हैं, और उसके अंदर आपको 4 पिन 6 पिन 8 पिन के जो कनेक्टर हैं जो कि आपको बाज़ दफ़ा ग्राफिक कार्ड को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए चाहिए होते हैं वो भी इसी पावर सप्लाई के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों अगर इस पावर सप्लाई की बात करें तो ये आपको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो यूज़ कंडीशन के अंदर 2000 रुपीज़ के करीब जो है वो ईज़िली मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये दोस्तों आ जाता है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए दोस्तों हमने जो आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर जो कि हम 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने R7 370 सीरीज़ का जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ किया है। ये दोस्तों बेसिकली 2GB का दोस्तों ग्राफिक कार्ड है, और ये भी आपको मार्केट में इजीली यूज़ कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाता है। GDDR5 GB रैम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, 256 बिट का मेमोरी इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए आपको एक 6 पिन का जो कनेक्टर है वो इसको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए चाहिए होगा जो कि आपको पावर सप्लाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, ये मैंने ग्राफिक कार्ड इसलिए चूज़ किया है कि इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ये आपको GTX 660 और उसके अलावा 750 Ti से भी बेटर जो है वो देखने को मिलेगी, और इसलिए मैंने R7 370 का जो ग्राफिक कार्ड है 2GB VRAM के साथ जो है वो चूज़ किया है। ये जो दोस्तों ग्राफिक कार्ड है ये आपको इजीली मीडियम टू हाई सेटिंग के अंदर जो है वो 60 FPS की जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है 1080p रेजोल्यूशन के साथ जो है वो इजीली प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा इसी ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए आप फ्री लांसिंग का काम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप एडिटिंग रेंडिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा इसी ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए एंट्री लेवल की स्ट्रीमिंग भी किसी हद तक आप कर सकेंगे। अब हम दोस्तों अगर इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में इजीली 17,000 रुपीज़ के करीब जो है वो कॉस्ट कर सकता है। अगर ये आपको ग्राफिक कार्ड दोस्तों मार्केट में नहीं मिलता तो इसके अल्टरनेट के तौर पर आप RX 460 2GB रैम वाला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केट में आपको एज कम्पेयर टू चीपर प्राइस के अंदर 15,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो कॉस्ट कर सकता है। और उसके अलावा RX 560 2GB VRAM के साथ जो वेरिएंट है वो भी ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस पीसी के साथ जो भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको R7 370 2GB RAM वाला जो वेरिएंट है मार्केट में देखने को मिल जाता है तो वो आप इस पीसी के साथ यूज़ करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है, एडिटिंग रेंडरिंग की जो परफॉर्मेंस है, और फ्री लांसिंग के लिए भी आप इस पीसी को, इस ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको मार्केट में आलमोस्ट जो है वो 70,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो कॉस्ट कर सकता है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर एक बेस्ट गेमिंग पीसी जो है वो बिल्ड किया है, और इस पीसी को यूज़ करते हुए आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं फ्री लांसिंग करके, एडिटिंग करके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके, और उसके अलावा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के तौर पर आप इसके ऊपर 1080p रेजोल्यूशन के साथ 60 FPS की गेमिंग जो है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोशन सफर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेट्स वीडियो देखने के लिए, और उसके अलावा आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।